सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑप्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर सक्सेसर इन बाइनरी सर्च ट्री। तो क्वेश्चन क्या है गाइस, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक रूट नोड गिवन है बाइनरी सर्च ट्री का, एंड हमें एक नोड टू गिवन है, एंड हमें बताना है कि इस बाइनरी सर्च ट्री में इस नोड का इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है। अच्छा, तो बात आती है कि इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होता है। तो अगर इस बाइनरी सर्च ट्री का हम लोग इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालें, तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कुछ ये हो जाएगा, एंड हमारे पास जो नोड गिवन है वो टू गिवन है। तो हमें बताना है कि टू के बाद, टू के जस्ट नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट आता है, एंड उसे हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन है, हमें क्या करना है, उसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालना है, एंड इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में जो भी नोड हमें गिवन है उससे नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आ रहा है उसको हम लोग को क्या करना है, रिटर्न करना है। तो इस केस में हमारा जो आउटपुट है वो थ्री हो जाएगा, क्योंकि टू के बाद जो एलिमेंट आता है हमारे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में इस बाइनरी सर्च ट्री के, वो थ्री है, एंड थ्री को हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर होगा गाइस। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो लेट सपोज ये हमारे पास ऐसा कुछ बाइनरी सर्च ट्री गिवन है, एंड हमारे पास एक्स इक्वल्स टू एट गिवन है। तो अगर इस बाइनरी सर्च ट्री में हम लोग देखें तो हमारा इन ऑर्डर सक्सेसर क्या हो जाएगा, हमारा इन ऑर्डर सक्सेसर जो है वो 10 हो जाएगा, क्योंकि 8 के बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट आएगा हमारे पास वो कौन सा एलिमेंट आएगा, वो 10 आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के गाइस बहुत सारे वेज हैं, तो हम लोग उन सारे वेज से करके देखेंगे इसको वन बाई वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है गाइस, वो तो आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या करें, इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लिख लें। तो इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या आ जाएगा, 4, 8, 10, देन 12 एंड 14, एंड फिर क्या आ जाएगा, 20 एंड देन 22। तो हम लोग इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकाल लें, एंड क्या करें, हम लोग सिंपली इसमें ट्रेवर्स करें, एंड 8 से जो भी नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास आएगा उसको हम लोग क्या कर दें, रिटर्न कर दें। तो ये हमारा ब्रूट फोर्स वे है गाइस। इसकी अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ एन हो जाएगी, क्योंकि हम लोग सारे नोड्स पे ट्रैवर्स करेंगे। एंड अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो भी बिग ऑफ एन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, एक ऑक्सिलरी स्पेस यूज़ करेंगे, वेक्टर या फिर एरेलिस्ट कुछ भी कह लें। तो हम लोग एक ऑक्सिलरी स्पेस यूज़ करेंगे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को स्टोर करने के लिए, एंड देन हम लोग वहाँ से रिटर्न करेंगे एलिमेंट को। तो हमारे इस एल्गोरिथम की जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो दोनों ही बिग ऑफ एन है। ठीक है, तो ये तो गाइस था हमारा ब्रूट फोर्स वे। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कुछ इससे अच्छा कर सकते हैं क्या। ठीक है, एंड नेक्स्ट अब हम लोग दूसरा मेथड देख रहे हैं, दूसरा वे देख रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हम लोग क्या करें गाइस, हम लोग एक वेरिएबल बना के चल लें, लेट्स से सी, एंड इसको इनिशियली हम लोग क्या करते हैं, जीरो से असाइन करते हैं। तो हम लोग एक वेरिएबल बना के चलते हैं, एंड नॉर्मल हम लोग इन ऑर्डर ट्रेवर्सल परफॉर्म करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल परफॉर्म कर रहे हैं, एंड हम लोग क्या करेंगे, जब हमें 8 मिल जाएगा, मीन्स इफ रूट डॉट डेटा इज डबल इक्वल्स टू 8, जब हमें 8 मिल जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, 8 नहीं एक्स कर लेते हैं। तो जब हमारा जो डेटा है वो x के बराबर हो जाता है तब हम लोग क्या कर देंगे, c इक्वल्स टू 1 कर देंगे। इस वेरिएबल में 0 के जगह हम लोग क्या कर देंगे, 1 स्टोर कर देंगे। एंड else if हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, else if हम लोग चेक कर लेंगे कि जब हमारा c डबल इक्वल्स टू 1 हो जाता है तब हम लोग क्या कर लेंगे, सक्सेसर एक वेरिएबल बना लेंगे, उसमें अपने आंसर को स्टोर कर लेंगे। तो इससे इवेंचुअली होगा क्या, जब हम लोग 8 वाले नोड पे थे तब हम लोगों ने क्या कर दिया, c इक्वल्स टू 1 कर दिया। एंड नेक्स्ट टाइम जब हम लोग 10 पे आएंगे तब हमें क्या मिलेगा, हमें c इक्वल्स टू 1 मिलेगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, सक्सेसर वाले वेरिएबल में हम लोग रूट डॉट डेटा को स्टोर कर लेंगे, एंड सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, फिर सी इक्वल्स टू 2 कर देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग इस इफ एल्स स्टेटमेंट को चेक करें तब हमारी कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो। तो इवेंचुअली हमारे पास सक्सेसर में क्या आ जाएगा, सक्सेसर में हमारे पास 10 आ जाएगा, एंड एट द एंड हम लोग क्या कर देंगे, अपने सक्सेसर वाले वेरिएबल को रिटर्न कर देंगे। तो ये था गाइस सेकंड अप्रोच। तो इस एल्गोरिथम की अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करें तो वो क्या हो जाएगा, वो बिग ऑफ एन हो जाएगा। बिग ऑफ एन क्यों, क्योंकि हम लोग इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कर रहे हैं, पूरे नोड्स को ट्रेवर्स कर रहे हैं। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, वो बिग ऑफ एन हो जाएगी। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कैसे स्पेस को ऑप्टिमाइज़ किया। अब क्या हम लोग टाइम को भी और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, टाइम को हम लोग क्या और कम कर सकते हैं, बिग ऑफ एन से क्या हम लोग बिग ऑफ एच कर सकते हैं, बिग ऑफ लॉग एन कर सकते हैं। क्यों क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हमें पता है कि हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री, एंड बाइनरी सर्च ट्री के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस किस में सॉल्व हो रहे होते हैं, बिग ऑफ लॉग एन पे। तो इस क्वेश्चन को भी क्या हम लोग बिग ऑफ लॉग एन में सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट अप्रोच जो है वो इस क्वेश्चन को बिग ऑफ लॉग एन में सॉल्व कर देता है। तो चलिए अब हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, एंड वही इस क्वेश्चन का सबसे ऑप्टिमाइज्ड वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इस अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे, इस अप्रोच में हम लोग एक करेंट वेरिएबल ले लेंगे, एंड इसमें इनिशियली हम लोग क्या कर देंगे, रूट नोड को स्टोर कर देंगे। ठीक है, एंड एक लूप चलाएंगे, वाइल करंट इज नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक जो करंट वाला नोड है वो नॉट इक्वल्स टू नल हो जाए। ठीक है, एंड एक सक्सेसर नोड ले लेंगे, नोड सक्सेसर, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने वैल्यू को स्टोर करेंगे जो हमारा सक्सेसर नोड होगा।
तो हम लोग एक सक्सेसर नोड ले लेंगे एंड उसमें हम लोग रिजल्ट को स्टोर कर देंगे एंड लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, इस सक्सेसर वाले नोड को रिटर्न कर देंगे। तो ये करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ पे हैं, सबसे पहले इनिशियली हम लोग कहाँ पे हैं, 20 पे। तो 20 को हम लोग चेक करेंगे अपने एक्स वाले वेरिएबल से, तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या जो वैल्यू है वो उससे बड़ी है या छोटी है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि हमारी जो वैल्यू है, हमारा जो एक्स नोड है उससे जो करेंट नोड की वैल्यू है वो बड़ी है। डैट मीन्स कि दिस कैन बी अ पॉसिबल आंसर। ये आंसर है या नहीं ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन ये एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये 8 से बड़ा है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग अपने सक्सेसर वाले नोड में स्टोर कर लेंगे एंड हम लोग फिर क्या कर देंगे, हम लोग अपने लेफ्ट हैंड साइड पर कॉल लगा देंगे। तो हम लोग फिर कहाँ आ जाएंगे, हम लोग 8 वाले नोड पर आ जाएंगे। ठीक है, फिर 8 वाले नोड से हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारा जो एक्स है वो क्या इससे बड़ा है या छोटा है। तो हमें क्या पता चल रहा है, वो इसके इक्वल है। एंड हमें क्या पता करना है, हमें इन ऑर्डर सक्सेसर पता करना है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग इसके राइट हैंड साइड पे चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें अब इससे बड़ी वैल्यू चाहिए एंड 8 से बड़ा चाहिए। दैट मीन्स हमें 8 के राइट हैंड साइड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये BST है एंड एवरीथिंग इज ऑन द राइट ऑफ दैट नोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ पर्टिकुलर नोड। तो इसलिए हम लोग अपने राइट हैंड साइड पे चले जाएंगे। देन हम लोग चेक करेंगे कि क्या जो 12 है वो 8 से बड़ा है या छोटा है। तो हमें पता चल रहा है कि जो 12 है वो 8 से बड़ा है। देन हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसर वाले नोड में इसको असाइन कर देंगे, तो 12 असाइन कर देंगे एंड हम लोग लेफ्ट में कॉल लगा देंगे, क्योंकि दिस कैन बी अ पॉसिबल आंसर। लेकिन ये आंसर नहीं है अभी, हो सकता है इसके लेफ्ट में इससे छोटी वैल्यू मिल जाए जो इन ऑर्डर सक्सेसर हो 8 वाले नोड का। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पर कॉल लगा देंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 10 है। तो 10 है, दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, 10 को इन ऑर्डर सक्सेसर में असाइन कर लेंगे एंड देन अगेन इसके लेफ्ट हैंड साइड पे कॉल लगा देंगे। तो अब 10 के लेफ्ट में क्या है, 10 के लेफ्ट में नल है। तो अब हम लोग क्या कर जाएंगे, यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे एंड हमारे पास सक्सेसर में क्या रहेगा, हमारे पास सक्सेसर में 10 स्टोर रहेगा एंड हम लोग लास्ट में क्या कर देंगे, सक्सेसर को रिटर्न कर देंगे। तो हमारा जो आउटपुट है वो 10 आ जाएगा। तो आई होप ये डिस्कशन आप लोगों को क्लियर होगा गाइस। तो इसका मैं कोड करने के बाद एक और बार आप लोगों को ड्राई रन करवा दूंगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, हम लोग करेंट नोड पे किसको असाइन कर लेंगे, रूट को असाइन कर देंगे। देन हम लोग एक सक्सेसर नोड बना लेंगे, जिसमें इनिशियली हम लोग क्या असाइन कर देंगे, -1 कर देंगे। ठीक है, एंड हम लोग एक लूप चलाएंगे। कब तक चलाएंगे, जब तक जो हमारा करंट हो वो नॉट इक्वल्स टू नल हो। तो हम लोग तब तक एक लूप चलाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले तो रिटर्न कर देते हैं सक्सेसर को। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे कि इफ़ अगर जो नोड का डेटा है, इफ़ अगर जो नोड का डेटा है वो लेस देन इक्वल्स टू है एक्स डॉट डेटा के, तो हमारे पास जो नोड गिवन है उससे अगर छोटा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने राइट हैंड साइड पे चले जाएंगे। तो कर इक्वल्स टू कर डॉट राइट, एंड अगर ऐसा नहीं है तब क्या हम लोग कर लेंगे, हम लोग सक्सेसर में स्टोर कर लेंगे करेंट नोड को एंड हम लोग अपने लेफ्ट हैंड साइड पे कॉल लगा देंगे, तो करेंट डॉट लेफ्ट। तो ये सिंपल सा कोड हो जाएगा गाइस एंड यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो आई थिंक ये कोड हमारा हो चुका है, तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो कंपाइलेशन एरर आ रही है। अच्छा, यहाँ पे नोड नहीं होगा, यहाँ पे करंट होगा, सॉरी। अब इसको एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं। तो हमारा कोड जो है गाइस वो सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है, इसको एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। तो हमारा जो कोड है गाइस वो सक्सेसफुली सबमिट भी हो रहा है। अच्छा, इसको एक बार हम लोग ड्राई रन करके देख लेते हैं। ड्राई रन करके देख लेंगे ना, तो हमें ये कोड जो है एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको एक बार ड्राई रन करके देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसको मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। हाँ गाइस, तो हम लोग ड्राई रन कर रहे थे। तो ये हमारा कोड था, ये हमारा कंप्लीट कोड था। तो हमारे पास इनिशियली रूट नोड में क्या है, 20 है। तो हम लोगों ने क्या किया, करंट में रूट नोड को असाइन कर दिया एंड एक सक्सेसर नोड बनाया, जिसमें इनिशियली हम लोगों ने क्या कर दिया, -1 डाल दिया। ठीक है, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक लूप चला रहे हैं जब तक करंट जो है वो नल ना हो जाए। फिर हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या जो करंट का डेटा है, मीन्स जो 20 है, वो क्या लेस देन इक्वल्स टू है 8 के। तो 20 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 8 नहीं है, मीन्स ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी एंड हम लोग एल्स वाले कंडीशन में आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, हम लोग सक्सेसर में, ये हमारा सक्सेसर है, सक्सेसर में हम लोग क्या कर देंगे, करेंट नोड का साइन कर देंगे जो कि है 20 एंड करेंट इक्वल्स टू कर देंगे करेंट डॉट लेफ्ट। मीन्स अब हम लोग कहाँ आ गए, अब हम लोग 8 वाले नोड पे आ गए। फिर हम लोगों ने चेक किया कि क्या जो करेंट डॉट डेटा है वो लेस देन इक्वल्स टू 8 एक्स डॉट डेटा है। तो हाँ, इस बार क्या है, हमारा जो करेंट है वो भी 8 है एंड हमारा जो एक्स है वो भी 8 है। तो अभी हमारा जो कंडीशन है वो ट्रू है, तब हम लोग इफ़ के अंदर जाएंगे एंड करेंट इक्वल्स टू करेंट डॉट राइट कर देंगे। मीन्स अब हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, 12 पे आ जाएंगे। फिर से कंडीशन चेक होगी कि क्या जो हमारा करेंट का डेटा है, क्या जो 12 है वो लेस देन इक्वल्स टू 8 है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। एल्स में आएंगे हम लोग, सक्सेसर में 12 को असाइन करेंगे एंड फिर हम लोग कहाँ चले जाएंगे, करेंट इक्वल्स टू करेंट डॉट लेफ्ट। तो फिर हम लोग आ जाएंगे 10 पे। फिर से सेम कंडीशन चेक होगी कि क्या जो करेंट का डेटा है वो लेस देन इक्वल्स टू 8 है। तो यहाँ पे
तो यहाँ पे अगेन कंडीशन फॉल्स होगी, हम लोग अगेन एल्स वाले कंडीशन पे आएंगे, सक्सेसर में 10 असाइन होगा एंड करेंट इक्वल्स टू करेंट डॉट लेफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे नल आ जाएगा। एंड जैसे ही यहाँ से नल आएगा हम लोग इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे एंड हम लोग रिटर्न कर देंगे 10 को। तो ये था गाइस कंप्लीट कोड इस क्वेश्चन का। एंड अगर इस एल्गोरिथम की मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो इस एल्गोरिथम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ऑफ लॉग एन होगी, या फिर मैं बोलूँ तो बिग ऑफ एच होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक साइड को पूरा डिस्कार्ड करते रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने 20 से चेक किया तो हमें पता चला कि हमें लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है, तो हम लोगों ने पूरे लेफ्ट राइट हैंड साइड को डिस्कार्ड कर दिया। एंड सिमिलरली फिर जब हम लोग 8 पे थे तो अब हम लोग जब राइट हैंड साइड पे गए तो फिर हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को डिस्कार्ड कर दिया। तो इससे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, बिग ऑफ लॉग है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें, एंड अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ एन। किसी भी तरह का ऑक्सिलरी स्पेस हम लोगों ने नहीं यूज़ किया है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ वन है एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ लॉग एन है। तो आई होप ये कंप्लीट डिस्कशन आपको क्लियर होगा गाइज, एंड तीनों ही अप्रोचेज आपको क्लियर होंगी। तो अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो गाइज तो वीडियो को लाइक कर देना एंड प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। एंड इट ऑल्सो मोटिवेट अस टू मेक मोर कंटेंट फॉर यू गाइज। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइज, थैंक यू।